सुभाष तिवारी जी और ग्लोरी मोहंता जी, नमस्कार और स्वागत है आपका मीडिया ट्रेलर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर। बताइए, आपकी फिल्म आ रही है जिसका नाम है गुलाबो। जरा मैं चाहता हूं कि आप लोग फिल्म के बारे में शुरू करें और बताएं हमें कि फिल्म बनकर तैयार हो गई। आज आप लोगों ने हमें ट्रेलर दिखाया, आप लोगों को खुद कैसी लगी अपनी फिल्म का ये ट्रेलर? देखिए सर, एक वास्तविकता है कि हर किसी को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, तो उस रूप में तो मुझे भी या हम लोगों को भी अपना ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी कहानी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन मैं आप लोगों को ट्रेलर इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया दें, और मैं बहुत जल्दी पिक्चर का प्रीव्यू भी रखने वाला हूं, आप लोगों को बुलाऊंगा मैं, और आप जो है, आप लोग जो है एकदम इंडिपेंडेंट प्रतिक्रिया दीजिए कि फिल्म कैसी बनी है, और आपकी प्रतिक्रिया का मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि फिल्म जो है कोई भी बनाता है तो आम दर्शक के लिए बनाता है, ऑडियंस के लिए बनाता है, लोगों के लिए बनाता है, और हमने वैसी ही फिल्म बनाई है जो आम दर्शक को अच्छी लगे। सर, अब तक जो फिल्में बन रही थी वो दर्शकों के लिए नहीं बन रही थी, आपको क्या लगता है कि आपने कुछ यूनिक चीज बना दी है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी दर्शकों के लिए बनती थी, और हमने यूनिक चीज बनाई है, यूनिक फिल्म बनाई है, ये बात मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने यूनिक फिल्म बनाई है। जो फिल्में बन रही हैं वो भी दर्शक को, ऑडियंस के लिए बन रही, दर्शकों के लिए बन रही हैं, लेकिन मेरी फिल्म का जो, ऐसा नहीं है कि मेरी फिल्म का बेस कोई बहुत ही अजूबा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म का प्रेजेंटेशन और फिल्म की कहानी जो है वो आम फिल्मों से थोड़ा हट करके है, और एक यूनिक लव स्टोरी है। ग्लोरी मोहंता को पूछ लेते हैं। ग्लोरी, आप इस फिल्म का हिस्सा हैं, बतौर आइटम डांसर आपने 300 प्लस गाने किए हैं, सही कह रहा हूं? अब पहली बार आपको फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस का काम मिला है, कैसा था एक्सपीरियंस और साथ ही साथ फिल्म कैसी बनी है ये भी उसके बाद बताएं। जैसा कि सर ने बोला, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, तो ऑफ कोर्स मैंने काम किया तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, बट मैं जो बुरी होती है बात बुरी बोल देती हूँ, जो अच्छी लगती है वो अच्छी बोल देती हूँ। इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। हर ऑडियंस की अपनी डिमांड होती है, तो ये बेसिकली लव स्टोरी है, तो जो कि फैमिली ड्रामा के साथ है, तो फैमिली वालों को ये बहुत अच्छे से पसंद आएगा। इसमें जो वल्गर, जिनको वल्गर देखना है, वल्गैरिटी वगैरह, वो शॉर्ट के लोग तो देख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट, और गाने इसके बहुत प्यारे हैं, और जितने भी लेडीज हैं और जितने भी कपल्स रहेंगे, छोटे यंगस्टर्स बच्चे जिनके लव स्टोरी जिनको पता रहेगा, वो लोग बहुत पसंद करेंगे इसको। सुभाष तिवारी जी, जी जितने नए प्रोड्यूसर्स आते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, जी हमारा उनका इसी तरह से इंटरेक्शन होता है, जी हर नया प्रोड्यूसर यही कहता है कि मेरी फिल्म एकदम अलग है और मैं अश्लीलता को खत्म कर दूंगा, जी आप मानते हैं कि कोई एक प्रोड्यूसर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अगर वो अश्लील है तो उसे खत्म कर सकता है? नहीं, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता सर, ये तो सामूहिक कोशिश से ही होगा। अगर बहुत, ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग ऐसा करें, लेकिन कुछ लोग अगर कोशिश करेंगे तो इसमें एक हद तक कामयाबी मिलेगी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, अकेला चलने के साथ साथ जो है वो लोग आते जाते हैं और कारवां बंधा जाता है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो मैं चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे यकीन है, भरोसा है कि ये शुरुआत हो चुकी है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और धीरे धीरे, जैसे कि अभी कुछ एक फिल्में आई हैं जो मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अरविंद अकेला की कोई फिल्म थी, प्यार तो होना ही था, इस पर कोई फिल्म, उसके अंदर भी कोई गंदे सीन नहीं है, और भी बहुत सारी फिल्में बन रही, इसमें गंदे सीन नहीं है, वल्गरिटी नहीं है। अभी बिफोर यू पे कई फिल्म ट्रेलर रिलीज हुआ है, मैंने बात भी किया है लोगों से, तो उसके अंदर भी कोई वल्गरिटी नहीं है। तो एक जो मतलब भोजपुरी फिल्मों से जो गंदगी हटाने का जो मुहिम है वो शुरू हो चुका है, और उस मुहिम का एक मैं एक हिस्सा हूँ, बस इतनी सी बात है। मैं बोलना चाहूंगी और एक चीज कि ये जितने भी नए प्रोड्यूसर के, जितने भी पुराने प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी ये बोला कि हम अभी वल्गैरिटी खत्म करेंगे और अच्छे से साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। वल्गैरिटी के नाम पे इन्होंने एक ही चीज खत्म किया है, दैट इज आइटम डांसिंग। अदरवाइज फिल्म तो बहुत साफ सुथरी बनाते हैं, लेकिन वल्गैरिटी सेट पे होता है,
चीजें तो वही होनी है, हीरो वही है, हीरोइन वही है जो एक दूसरे से डिमांड करता है। जिस दिन यहाँ पे अपने हिसाब से हीरो हीरोइन अपने हिसाब से सब चीजें हटाना स्टार्ट करेंगे, उस दिन इंडस्ट्री में चेंजेस आएगा। यहाँ पे बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जहां पे लोग कैरेक्टर से हटके चीजें सिलेक्ट करता है, उनको चाहिए तो कैरेक्टर का डिमांड कुछ अलग है, वो लोग कास्ट किसी और को करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भैया हम मजबूर थे। इतने ही मजबूर जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, अगर वही मजबूर हो गया तो फिर तो भैया आर्टिस्ट तो फायदा लेने के लिए बैठे ही हैं। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरा मेरे पेट पर लात मार रही है, मेरे लिए हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। जो भी है, अगर इस तरीके से चीजें चलेगा वल्गैरिटी के नाम से, सिर्फ आइटम सॉन्ग हटाने से वल्गर खत्म नहीं होता है, वल्गैरिटी होती है दिमाग में। जिस दिन यहां से साफ हो जाएंगे, क्लियर रहेंगे कि जब जिसको जो काम चाहिए देना चाहिए, जब वो स्टार्ट होगा तब इंडस्ट्री आगे जाएगा, अदरवाइज भोजपुरी को जो टैग मिला है वल्गर का वही रहेगा। ग्लोरी महंता, आपने कहा कि गाने खत्म हो गए आइटम सॉन्ग वल्गैरिटी के नाम पे, लेकिन सेट पर वल्गैरिटी होती है, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है, आप मुझे बता सकती हैं कि इसके क्या मायने में समझूं, सेट पर किसके साथ कब कहां किसने वल्गैरिटी की और ग्लोरी महंता इसे कैसे कोट कर रही है, ग्लोरी महंता इसे कैसे कह रही है? देखिये, मैं कोट इसके भी कर रही हूँ बिकॉज आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग। व्हाई दे आर वर्किंग? Why? और मैं आई एम नॉट द ओनली वन, अगर मैं अगर ये बोलूंगी तो लोग ये बोलेंगे अरे भैया अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, इसको काम नहीं मिल रहा इसलिए बुराई कर रही है। आप सबको पता चल जाएगा, सबकी कंपनी, सबके हीरो, सबके हीरोइन, सम फिक्स पीपल आर देयर हु आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, बट द पर्सन लाइक मी, मैं ये नहीं बोलूं मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो चीज मुझे आती है उससे कोई डिनाई नहीं करेगा, स्टिल आई एम नॉट वर्किंग। इट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ वल्गैरिटी, लोग शोषण करते हैं, चाहे वो मुंह से करे, चाहे वो दिमाग से करे, चाहे वो आंखों से करे, कोई यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देता है। दो आई एम आइटम डांसर, यहाँ पे लोग आइटम डांसर को एक वल्गर तरीके से देखते हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हमको दिखाते हैं बाहर, पब्लिक भी हमको वही टैग देती है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। द डे वन इनके टीम से जब से मैं गई हूँ, कोई एक लड़की ऐसे नहीं होगी जिन्होंने बोला कि सेट पे किसी ने वल्गर बात किया है, वल्गर ट्रीटमेंट दिया है, किसी इंसान ने गलत कुछ बोला है। जिसको जो काम हाईली जो बोलते ना प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल लोग थे, जितना आपको काम बोला है, जितना जो टाइम है उसी टाइम पे आप अवेलेबल रहिए, अपना काम कीजिए, आप जाइए, उसके बाद आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बाकी आपका जब पैकअप हो जाता है दैट इज योर पर्सनल लाइफ, व्हाटएवर यू वांट टू डू, हम लोगों का उसमें कोई लुकआउट नहीं है। तो दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट, कि बी प्रोफेशनल, कि आपके पेमेंट में आप और प्रोड्यूसर जाने, कोई तीसरा बंदा ना घुसे आपके करियर में, आपके चीजों में। भाई मुझे इन्होंने फलाना टिमका ने रिकमेंड किया, चलो रिकमेंड इज अ गुड थिंग, लेकिन पेमेंट भी बता रहे हो, हर चीज कर रहे हो, उसको कटवा रहे हो, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। और मैंने स्ट्रिक्टली ये बात अपने सेट पे, चूंकि हमारे सेट पे बहुत अच्छे लोग थे, कुछ इस तरह की बातें गंदगी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं चूंकि फिल्म इंडस्ट्री को जानता हूं तो मैंने पहले ही सबको कह दिया था कि भाई देखो फिल्म के सेट के ऊपर किसी तरह की भी गंदगी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप फिल्म खत्म होने के बाद में, पैकअप होने के बाद में, रात को जाकर के आप जो करना है आप कीजिए, मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सेट के ऊपर किसी तरह की अश्लीलता हो, लूज टॉक हो, किसी के साथ बोला मतलब बदतमीजी करना हो, ये सब बिल्कुल हमारे सेट पे नहीं होता था। सब प्यार से लोग आते थे काम, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा प्रोड्यूसर जो है इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट है और किसी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं करता है, तो लोग थोड़ा सा मतलब उस चीज का इज्जत भी रखे, और वैसा उन्होंने सबने एक्ट किया और सब बढ़िया से काम करके गए, और हमारे सेट पे किसी के साथ में, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे सुपर स्टार हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान देखा गया और सब बढ़िया से सब काम कर ले गए। तिवारी जी, आपने आपको लगता नहीं कभी कि ऐसी बोल्ड लड़की, अपने विचारों को इस तरह से खुलकर रखने वाली, किसी की फिक्र ना करने वाली, परवाह ना करने वाली, बिंदास बोलने वाली लड़की को आपने हीरोइन रख लिया अपनी फिल्म में, हो सकता है कि फिल्म को इस पर असर कहीं ना कहीं झेलना पड़े? देखिए, ये बड़ा टेक्निकल बात है, क्योंकि ग्लोरी का जो बिंदासपन है वो उसका अपना उसका व्यक्तित्व या चरित्र कह लीजिए, उससे फिल्म से कुछ लेना देना नहीं। फिल्म पर्दे पे कहानी में इन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है, तो इनका पर्सनल व्यक्तित्व क्या है, पर्सनल चरित्र क्या है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने मेरी कहानी में जो किरदार किया है उसको इन्होंने जस्टिफाई किया है,
और जब तक ये जस्टिफाई नहीं करते तब मैं इनको लेता नहीं। तो इनका पर्सनल क्या है उससे मुझे कुछ वो नहीं है, वास्ता नहीं है, वावस्ता नहीं है। इन्होंने अपने किरदार को बढ़िया निभाया उससे मुझे काफ़ी खुशी है। और मैं अपनी तरफ से एक ये बात कहना चाहता हूँ कि त्रिपाठी जी और सबका मैं इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूँ, आप लोग के चैनल को मैं देखता रहता हूँ, मुझे एक बात आप लोगों से कहनी जरूरी है जी कि बीइंग ए जर्नलिस्ट आप इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, लेकिन आप लोगों का जो एक समीक्षा जो होनी चाहिए, एक जर्नलिस्ट की का समीक्षा होना चाहिए कि भाई आपने जो फिल्म का ट्रेलर देखा या जो फिल्म देखा या कुछ भी देखा उसके ऊपर आप जो है एक अपना आलोचनात्मक समीक्षा जो है जरूर दर्शकों के सामने रखें, ताकि दर्शकों को मालूम पड़े कि भाई जो फिल्म के बारे में बात कही जा रही है उसके बारे में तथ्य और असलियत क्या है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप पत्रकारों से। एक समीक्षक जो है अपनी चीजों को बहुत बेहतर ढंग से रख भी सकता है, रख सकता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर काने को काना ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप उसको दूसरे तरह से भी व्याख्या कर सकते हैं। सुंदर को सुंदर बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि लोगों को आलोचना पसंद नहीं है, ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूं कि अगर किसी के बारे में आप सच्ची आलोचना कर देंगे तो आपको भला बुरा सोचेगा और आपके बारे में अच्छी बात नहीं रखे, मुझे पता है। देखिए त्रिपाठी जी, मैं साहित्यकार का बेटा हूं, मेरे फादर जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और हिंदी से मेरा काफी वाबस्ता रहा हुआ है और हिंदी परिवार में पला बढ़ा हूँ, पत्रकारों के बीच में रहा हूँ, साहित्यकारों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे ये बात पता है। लेकिन कम से कम ये चीज तो हो सकती है कि एक मतलब तुलनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक आलोचना जो है आप लोग करें, यहाँ बहने ये मतलब ऐसी बनी है, अच्छी बनी है या ठीक है। जैसे कि बॉलीवुड में होता है, कई सारे समीक्षक हैं जो समीक्षा करते हैं फिल्मों की और स्टार रेटिंग देते हैं कि मैं इस फिल्म को 4 स्टार दे रहा हूँ, 3 स्टार दे रहा हूँ, 5 स्टार दे रहा हूँ, 2.5 स्टार दे रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, न्यूज एक्सप्रेस में आता है, बहुत सारे पेपरों में आता है कि ये फिल्म हमने देखा, ट्रेलर देखा और इसका ये ऐसा ऐसा ये है और इसको हम इतना स्टार देते हैं, तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। नोटेड। ग्लोरी, आप इतना खुल के बोलती हैं, आपको लगता नहीं है कि जो इंडस्ट्री आपको पहले से बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रही है उसमें दुश्मनों की गिनती और थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी? ऑलरेडी है, आज से नहीं, काफी टाइम से, इसलिए मैंने उसे एक काम करते और घर पे चुपचाप बैठ जाती। देखिए त्रिपाठी जी, मैं इस बात में कहना चाहूंगा आपको कि मुद्दे इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और दूसरी बात, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, रोशन जी से खुदा करे। ये चीजें जो है आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बॉलीवुड में एक कंगना रनावत पूरे बॉलीवुड के नाक में दम करके रखी है और बॉलीवुड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो सच्चाई की हर जगह जीत होती है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल ना हो, किसी के लिए मतलब अनपार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग ना हो, कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे किसी का हर्ट टच हो जाए, लेकिन अपनी बात कहने की सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कहना चाहिए और लेकिन एक दायरे में, कंस्टिट्यूशनल वे में कहना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ, तो ये कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी, जब लोगों को करने में शर्म नहीं आता तो हमको बोलने में क्यों शर्म आए? लोग करने के टाइम पे नहीं सोचते हैं तो फिर बोलने में क्यों शर्म आए? और भाई, अगर मैं हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होती मैं तो एक्सेप्ट करती, भाई हमने किया, हाँ मैंने किया, मुझे जो सही लगता है, बीइंग अ आर्टिस्ट, मैं ऑन कैमरा जो लिमिट तक मैं काम कर सकती हूँ मैं करूंगी। त्रिपाठी जी, मैंने 2 फिल्में बनाई हैं और दोनों फिल्मों में ऑलमोस्ट सभी आर्टिस्ट थे, कुछ थोड़े बहुत चेंज थे, ज्यादा थे कम थे। किसी भी कोई भी आर्टिस्ट मेरे प्रोड्यूसर के बारे में या मेरे टीम के बारे में कभी ये नहीं बोल सकता है कि ये आदमी जो है गलत है, ये आदमी इसको यूज करता है, ये आदमी ऐसा करता है, ये आदमी ऐसा करता है, कभी कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो है किसी और की नजर में गिर करके तो आप जीवित रह सकते हैं और अच्छी तरह से जिंदगी कर सकते हैं, लेकिन अपनी नजरों में गिर करके आप कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इंसान को अपनी नजर में, क्योंकि आप जब आईने में चेहरा देखते हो ना तो आपका अस्तित्व जो है सामने दिखाई पड़ता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। और मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूं कि मैं जो है कभी भी अपनी नजर में ना गिर जाऊं। बैक टू पवेलियन, गुलाब बनकर तैयार है, कब तक आएगी थी, ट्रेलर कब आएगा और फिल्म कब तक आएगी? देखिए, उम्मीद करता हूं सर कि मई तक, मई के महीने तक पिक्चर रिलीज होनी चाहिए। ट्रेलर कब रिलीज कर रहे थे?
ट्रेलर रिलीज से कई लोगों से बात चल रही है, काफी पॉजिटिव रिस्पांस है बहुत लोगों का। अब यह है कि थोड़ा ये छुट्टी का माहौल हो गया, होली हो गई, सब हो गया, तो बस जैसे ही किसी डील हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तुरंत ट्रेलर रिलीज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ जल्दी हो। ग्लोरी चाहती है कि फिल्म रिलीज के बाद लोग आपको गुलाबिया गुलाबिया कहकर बुलाएं? मैं चाहती हूँ कि मुझे आर्टिस्ट बोले, और मुझे पता है एक चीज मैं जानती हूँ कि लोग चाहे या ना चाहे, इंडस्ट्री के जितने सो कॉल्ड लोग हैं वो ये डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि एक आइटम डांसर ने क्या कमाल किया है, और वो डेफिनेटली चीजें सब देखेंगे, भले ही वो मुझे कमेंट करें या ना करें। बट मैं तभी भी एक रिक्वेस्ट करूंगी सब ऑडियंस को कि आप प्लीज, सिर्फ मेरी नहीं, जितने लोग मेहनत से फिल्म बनाते हैं, आप सभी चीजों को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, जनरली एक ऑडियंस बनिए, और सिर्फ नेगेटिव ना निकालें, पॉजिटिविटी भी देखिए कि एक प्रोड्यूसर ने हिम्मत करके आपके सामने बहुत अच्छा चीज लाया। और सुभाष जी ने पहली बार कोशिश की और बहुत ही अच्छा लेके आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं इस फिल्म की पार्ट हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने खुद ने परफॉर्म किया है। अगर नौसिखिया लोग कर सकते हैं यार, तो मैंने तो अच्छा ही किया होगा, 300 फिल्में आइटम कर लिए तो उतना तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया तिवारी जी, शुक्रिया।